एक वेंटिलेटर का पल्ला बनाने वाला हूँ। तो आप लोग भी देखे दोस्तों, एक वेंटिलेटर का पल्ला बनाने के लिए जो है कि उस लकड़ी को रंडा किस तरह से मारे जाते हैं और साथ ही तरह से। तो यहाँ पे हम रंडा मारते समय दोस्तों इस तरह से रंडा मारते हुए जाएंगे और हम जो ये एंगल है एंगल से चेक करते हुए जाएंगे कि हमारा फट्टा बराबर से हुआ कि नहीं रंडा मार के। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो कि लकड़ी यहाँ पे हमने दो पीस फाइनली रंडा मार के देखे, साइज करके भी हमने रेडी कर लिया देख सकते हैं कुछ तरह। और यहाँ पे हमने दो ये यहाँ पे दो तीन पीस तो हमने आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जितने भी लकड़ी है ना वो सारे के सारे रन्ना मार का पूरे से जो कि हमने कंप्लीट करके रख लिया हूँ देख सकते हैं। 17 इंच का है और ऊंचाई जो है कि वो 18 इंच का, यानी कि 17x18 इंच का है। तो हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक निशान लगा लिया फर्स्ट में और यहाँ पे हमने 4 इंची में दो, जैसे आप देख सकते हैं हमने दो दो पीस हमने जो कि चौड़ाई साइड और लंबाई साइड के लिए हमने दोनों जो कि रेडी कर लिया हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को आसाम वुड कारपेंटर चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं जो कि एक वेंटिलेटर का पल्ला बनाने वाला हूँ। तो आप लोग भी देखे दोस्तों, एक वेंटिलेटर का पल्ला बनाने के लिए जो कि उस लकड़ी को रंडा किस तरह से मारे जाते हैं और साथ ही इसकी मार्किंग भी किस तरह से किया जाता है, तो वो सारा मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहे, तो चलिए बिना देर के रंडा मारने काम जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ले लिया और रंडा मारने के लिए शुरुआत कर लिया हूँ। तो हमने इलेक्ट्रिक पैडल मशीन से जो कि रंडा मारने वाला हूँ। तो दोस्तों हमने ये वेंटिलेटर का पल्ला बनाने के लिए लकड़ी जो कि हमने 4x1.5 इंच का लकड़ी लिया हूँ। और दोस्तों ये लकड़ी जो हमने लिया है दोस्तों ये सेगुन के लकड़ी है। तो सेगुन के लकड़ी से हम जो कि वेंटिलेटर का पल्ला बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो कि पहले रंडा मार लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हम रंडा मारते समय दोस्तों इस तरह से रंडा मारते हुए जाएंगे और हम जो ये एंगल है एंगल से चेक करते हुए जाएंगे कि हमारा फट्टा बराबर से हुआ कि नहीं रंडा मार के, तो वो सब चेक करेंगे। तो ये देखिए कुछ इधर से हम जो कि चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी बनाते हैं ना वेंटिलेटर का पल्ला, तो इसी तरह से जो कि एंगल लगाते हुए देखिएगा, तो भी दोस्तों एंगल के हिसाब में रहने चाहिए, तभी दोस्तों आपका फट्टा जो कि सीधा रहेगा और अच्छा होगा। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने दो साइड मारकर रेडी कर लिया। तो हम पहले इस तरह से मारकर मारेंगे, फिर उसके बाद में हम साइज इसको बाद में करेंगे। तो पहले हम चलिए इस तरह से रंडा मारकर तैयार कर लेते हैं। तो आप लोग बन रहे दोस्तों वीडियो के एंड तक। और दोस्तों आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, तो ताकि दोस्तों मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जाए तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों चलिए फटाफट से मैं इसको रंडा मार कर करते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो कि लकड़ी यहाँ पे हमने दो पीस फाइनली रंडा मार के देखे, साइज करके भी हमने रेडी कर लिया देख सकते हैं कुछ तरह। और यहाँ पे हमने दो ये यहाँ पे दो तीन पीस तो हमने दो साइड मार के रेडी करके रखा हुआ है। और यहाँ पे और भी सारा बहुत सारा बाकी है इसको रंडा वगैरह मारने का काम। तो चलिए जो कि इस समय हमने रंडा मार के रेडी करके रख लिया, तो चलिए और बाकी जितने भी पीस है वो सारे रंडा मार के इसका जैसे साइज करके कम्प्लीट करते हैं, फिर इसका जो कि इसका मार्किंग का काम करेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए फटा से इसको रंडा मार को कम्प्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे जितने भी लकड़ी है ना वो सारे के सारे रंडा मार कर पूरे से जो कि हमने कंप्लीट करके रख लिया हूँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम यहाँ पे रेडी करके रख लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों हमारा सारे लकड़ी तो रंडा मार कर हो चुके कम्प्लीट। तो अब चलिए इसके मार्किंग करने का काम शुरू करते। तो आप लोग देखिए मैं इसको मार्किंग किस तरह से करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दो पीस पहले ले लिया हूँ मार्किंग करने के लिए। तो हमारा दोस्तों वेंटिलेटर का साइज़ जो है वो हमारा चौड़ाई जो है कि वो 17 इंच का है और ऊंचाई जो है कि वो 18 इंच का, यानी कि 17x18 इंच का है। तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक निशान लगा लिया फर्स्ट में और यहाँ पे हमने 4 इंची में 200 कम में निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पे 4 इंची 200 कम में। और इस यहाँ पे तो हमने 1 इंची 200 भी निशान लगा दिया हूँ। तो यहाँ से हम सीधा इस तरफ लेंगे दोस्तों हमारा 18 इंची में, तो 18 इंची में यहाँ पे निशान लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ से हम हिसाब करते हुए जो कि 4 इंची में निशान लगा कर यहाँ पे 1 इंची 200 पे भी हम निशान लगा दिया है देख सकते हैं ये देखिए। और तो हम यहाँ एंगल से हम इसका निशान खींच देंगे ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आप लोग बनाते हैं ना तो इसी तरह से निशान लगा करिएगा, लगाया करिएगा तो अच्छी तरह से होगा। तो हमारा निशान लगाया हो चुका है। और दोस्तों अभी हम हमारा वेंटिलेटर का बीच में भी एक बीट रहने वाला है, तो उसका बीट जो हमारा बीच वाला 2x1.5 इंच का बीट लगने वाला, तो उसका भी हम यहाँ पे जो कि मेजरमेंट लगा देंगे ये देखिए कुछ इस तरह से। तो हमारा ये दो पीस तो ये दोस्तों हमारा ये दो पीस तो हो गया जो है कि ये खड़ा साइड के लिए। अब इसके चौड़ाई साइड के लिए निशान लगाना है। तो हमने ये निशान जो लगाया था इसका हम पलट दे रहा हूँ इस तरफ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो कि हम होल करने वाला हूँ, तो उसको होल करने के लिए इसका हम निशान जो हमने इस साइड में पलट लिया हूँ देख सकते हैं कुछ इधर। तो चलिए ये वाला तो पलट के हो गया, अभी ये वाला भी हम
इसी तरह से सेम निशान लगा के इसके ऊपर निशान जो कि पलट लेते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमने इसका भी निशान लगा फाइनली पूरा से हमने कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों हमने चौड़े वाला भी ले के आगे हूँ, तो चौड़े से वाला साइज के लिए हम निशान लगाएंगे। तो हमने ये दो पीस ले लिया हूँ, तो दो पीस हमने खड़ा वाला लिया था, अभी चौड़ा वाला दो पीस ले लिया। तो सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे हमने 4 इंच में दोस्तों में निशान लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने बीच में एक जो कि हो लगने वाला जो बीट लगने 2x1.5 इंच का बीट वो उसके लिए भी निशान लगा दिया हूँ। ये देख सकते हैं हम दोनों साइड में निशान लगा के हमने तैयार कर लिया हूँ। दोस्तों अगर आप लोग भी भेंटे का पल्ला बनाते हैं या विंडो पल्ला बना रहे हैं तो इसी तरह से मेजरमेंट लिया करिए, तो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेजरमेंट जो हमने लिया है विंडो का पल्ला का जितने साइज है ना उसी के हिसाब में हम ले रहे हैं। तो हमने चौड़ाई जो कि 17 इंची का, तो उसके हिसाब में हमने यहाँ पे निशान लगा के तैयार कर लिया हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों देखिए हमारा निशान लगा हो चुका है, अभी इसके निशान भी जो कि पलट दे रहा हूँ। तो इसके वजह से हमें आल कटिंग करके फेंकने वाला हूँ इस वाले फट्टे के, इसलिए हम इस तरह से जो कि लंबा निशान लगा दिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमने दो दो पीस हमने जो कि चौड़ाई साइड और लंबाई साइड के लिए हमने दोनों जो कि रेडी कर लिया हूँ, कुछ इस तरह से देख सकते हैं निशान लगा के हो चुका है हमारा तैयार। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे लगा मेरा ये निशान लगाने का तरीका जो है कि कमेंट करके आप बताइएगा जरूर। तो दोस्तों उम्मीद करता आप लोग मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग को मिल जाए। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।